बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। साई होम्योपैथिक क्लिनिक खन्नापुर और पिंडी से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। होम्योपैथी के अंदर मैदे के हवाले से जो मरीज़ आते हैं वो बेहतरीन ठीक होते हैं और वो मुसलसल होम्योपैथिक डॉक्टर्स को मैदे के मरीज़ रेफ़र करते रहते हैं। एच पलोरी का होम्योपैथी में बेहतरीन इलाज है, IBS का बेहतरीन इलाज है, एसिड रिफ्लक्स का बेहतरीन इलाज है। मैदे के तमाम अमराज के हवाले से मेरी एक कंप्लीट वीडियो भी पड़ी हुई है, वो बेहतरीन किस्म की वीडियो है। आज का हमारा एक मखसूस टॉपिक है, अक्सर लोग आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब तेज़ाबियत का बड़ा मसला है, इसको ठीक करें। तो तेज़ाबियत के जो मसले होते हैं ये रोज़ाना का मसला है। तेज़ाब ज़्यादा बनता है मैदे के अंदर, तेज़ाबियत हो जाती है, खट्टे डकार होते हैं, जलन होती है, गैस होती है। तो एसिडिटी के वाले से या तेज़ाबियत के वाले से जो भी मरीज़ आते हैं उनको ये चंद दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले ऐसे मरीज़ों को 15 दिन या महीने बाद एच पायलोरी की एक डोज दें, CM में दें या 15 दिन बाद 1 ml में डोज दें। उसके अलावा जो सबसे बड़ी दवाई इस्तेमाल की जाती है वो होती है रुबीनिया। रुबीनिया तेज़ाबियत की एक बड़ी दवाई है। दूसरे नंबर की जो बड़ी दवाई होती है वो दवाई होती है आयरस वर्स। मैदे में जलन भी होती है, सर दर्द होता है और तेज़ाबियत का मसला होता है। जो रुबीनिया दवाई होती है वो आमतौर पर जब बंदा रात को लेटता है तो उसको रात को लेटते वक्त तेज़ाबियत महसूस होती है, या सोए सोए उसको खट्टा डकार आएगा, वो उठ के बैठ जाएगा, उसके यानी खट्टा पानी मुँह में आ जाता है। रुबीनिया रात की तकलीफ़ात की बड़ी दवाई है। आयरस का मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पर जलन होती है। और तीसरे नंबर पे जो तेज़ाबियत की दवाई होती है वो कार्बोवेज होती है। ये तेज़ाबियत की बड़ी दवाई है। उसके अलावा एक दवाई होती है बिस्मिथ, इसमें उल्टी भी आती है और तेज़ाबियत भी बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी दवाइयों में से एक है। ये कैंसर लेवल की दवाई है। होम्योपैथी के अंदर एसिडिटी के वाले से या तेज़ाबियत के वाले से बेहतरीन दवाइयाँ मौजूद हैं। बाज़ ऐसे मरीज़ आते हैं कि वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे एक तो ठंडे पानी की बड़ी प्यास है, मुझे गर्मी बहुत लगती है, मुझे तेज़ाबियत का भी मसला है, और वो बिल्कुल पतले किस्म के होते हैं, सूखे होते हैं, जैसे TB का मरीज़ होता है। ऐसे मरीज़ों की ख़ास दवाई होती है फास्फोरस। वो पानी भी पीते हैं तो उनका पानी उल्टी हो जाता है, बाहर आ जाता है। फास्फोरस ऐसे मरीज़ों की ख़ास दवाई है। तेज़ाबियत के वाले से हम एक टिंक्चर या 1x 2x में एक दवाई इस्तेमाल करते हैं, वो दवाई होती है रेफनेस्टेवा। ये भी तेज़ाबियत के केसेस को या गैस के वाले से जो केस होते हैं उनको बेहतरीन ठीक करती है। मेरे लिए ख़ास दुआ भी किया करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।